हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो इस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? किष्किंधा नरेश, महाराज सुग्रीव की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम शुक है। मुझे लंकेश्वर महाराज रावण ने एक विशेष संदेश देकर भेजा है। अपने वास्तविक रूप में आओ। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। दूत शुक, अपना आसन ग्रहण करो। धन्यवाद। कहो, क्या संदेश लाए हो? मेरे स्वामी लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मित्र वाली के छोटे भाई हैं, इसलिए वो आपको भी अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं, वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरे माणिक आदि रत्नों की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें हम आप पर निछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार के लिए ऐसी सुंदर नृत्यांगनाएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं। महाराज रावण ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महाराज बाली के साथ उनकी मित्रता की संधि थी, दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध थे। उसी संधि के फल स्वरूप राक्षसों की एक अग्रिम छावनी गोदावरी तट पर स्थित थी, जहां पर खर और दूषण हमारी ही नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की भी रक्षा करते थे, ताकि उत्तर की ओर से आने वाले शत्रु आगे बढ़ने का साहस न कर सके। परंतु सुना है कि आप वो सब बातें भूलकर अयोध्या के दो राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। महाराज रावण जानना चाहते हैं कि आप किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए, दर दर भटकते उस वनवासी की सुंदर स्त्री का हमने हरण इसलिए किया है ताकि वो वनवास के दुखों से छूट जाए और लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके, तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? महाराज ने यह भी याद दिलाने को कहा है कि लंका आपके बहुत समीप है। विपत्ति पड़ने पर जितनी जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं, अयोध्या वाले नहीं आ सकते, क्योंकि अयोध्या आपसे बहुत दूर है। इन सब बातों को सोचते हुए महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो इस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप महाराज रावण की इस बात को कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि महाराज रावण की मित्रता के बढ़े हुए हाथ को ठुकराने का अर्थ है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष अपने द्वार पर आए हुए अपने परम सौभाग्य को ठुकरा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। मैं ऐसी मूर्खता की ही बात सोच रहा हूं, इसीलिए जानना चाहता हूं कि उस अन्यथा का क्या अर्थ है। यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है?
आपकी सारी वानर सेना का विनाश, किष्किंधा राज्य की सारी शक्ति का ह्रास, जिसके पश्चात किष्किंधा का राजा भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकता भिखारी दिखाई देगा। दूत! क्षमा करें महाराज, आप ही ने विस्तार जानना चाहा था। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपने और अपने महान कुल के हित का उपाय सोचिए, अपने ऐश्वर्य और समृद्धि को बचाने का उपाय सोचिए, अपने साम्राज्य की उन्नति का उपाय सोचिए। इसका एक ही उपाय है कि आप महाराज रावण की मित्रता का आदर करें, जिसका अर्थ है संसार के समस्त सुखों का स्वामी हो जाना। आप उन सुखों को भोगते भोगते थक जाएंगे, किंतु वो सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। नहीं सुख, प्राणी भी नाशवान है तो भोग भी नाशवान है। कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो निरंतर हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए सुखों के मोह से, अपने कर्तव्य से जो विमुख हो जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और तुम्हारा लंकापति मुझे यही प्रलोभन दे रहा है कि जिसने मुझ पर उपकार किया हो उससे मैं द्रोह करूं। जो मेरा मित्र है मैं उसकी पीठ पर कटार भोंक दूं, और जो बात सत्य और धर्म से युक्त है कि रावण ने एक निर्दोष पर स्त्री का हरण करके एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है, उस रावण की शक्ति के भय से अथवा समस्त सांसारिक प्रलोभन के कारण मैं एक महापापी का समर्थन करूं और रावण का साथ दूं, ऐसा करूं तो मेरी आत्मा क्या मुझे कभी क्षमा करेगी? मेरे स्वर्गीय बड़े भाई महापराक्रमी वीर महाराजा बाली ने मरते समय मुझे यही कहा था कि जो वचन श्री राम को दिया है उसे पूरा करना। आज यदि मैं तुम्हारा परामर्श मान लूं तो मेरे परम वीर भैया और परम प्रकाशवान लोकों में विचरने वाले मेरे पिता भगवान सूर्य मुझे एक ही बात कहेंगे, धिक्कार है सुग्रीव, धिक्कार है तुझ पर। तुम्हारे राजा को हमारे हित की चिंता नहीं हो रही है, उसे अपने समूल नाश का भय व्याप्त हो उठा है। वो जानता है कि श्री राम प्रभु के साथ सुग्रीव का सैन्य बल नहीं, सर्वनाश की भीषण लपटें लंका को भस्म करने के लिए लपक रही हैं। यह वो जान गया है, इसीलिए उसने फूट डालने की कुटिल कूटनीति की चाल चली है। आप मेरे महाराज को गलत समझ रहे हैं कपीश, तनिक विचार कर देखिए। चुप रहो दूत। दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारी कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। लंकेश ने इस भावना से नहीं कहा महाराज। चुप रहो। जिस प्रकार अपने नरेश का संदेश लेकर आए हो, उसी प्रकार संदेश का प्रत्युत्तर जाकर उन्हें सुना दो। जो आज्ञा महाराज। अपने कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा को कह देना किष्किंधा का वानर अपना हित अनहित भली भांति जानता है। सावधान कर देना उस दुराचारी को, उससे मित्रता नहीं शत्रुता करके उसके दुष्कर्म का दंड देने के लिए किष्किंधा का एक एक वानर सैनिक उतावला हो रहा है। हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है, हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वो संधि केवल इस लोक की नहीं परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है। रावण से कहना श्री राम को अब भी पहचान ले, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं वह हमें इस समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? जाओ रावण से कह देना कि विभीषण के आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है।